कल शाम को हमारे पास जमानाबाद जो गगल में है वहाँ से एक रेस्क्यू आया है। साहिल जी ने इसके लिए हमें कॉल किया था और इसको बहुत ही बुरा मैगेट वुंड है और कान तो इसका मतलब दिख ही नहीं रहा है, ये पूरा एरिया ही इसका डैमेज लग रहा है, मैगेट्स ने खा खा के एकदम ख़त्म कर दिया है ऑलमोस्ट। और ये डॉग है भी बहुत बूढ़ा। ज्योति, हमने इसको रिकवरी कैनल में रखने की जगह स्पे कैनल में क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास अभी रिकवरी कैनल में बिल्कुल जगह नहीं है। इस डॉग को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये सरवाइव नहीं कर सकता था स्ट्रीट्स पे, एक दो दिन और पता नहीं मैगेट्स का कितना सर खा लेते। सो इसलिए मैंने सर्जरी वाले कैनल्स अपने ब्लॉक करके उसको वहाँ पर रखा। पिछले एक महीने से हम एक डॉग का ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे, वो हमारे गांव धनोटू में ही रहती है। उसको टीवीटी है पर क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो हम उसका जो प्रॉपर इलाज है जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उसने बेबीज डिलीवर कर दिए, ये उसके बेबीज हैं, बहुत ही क्यूट पपीज़ हैं। अब उसके बेबीज इतने बड़े हो चुके हैं कि उनको अपनी माँ के दूध पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, उनको हम फीड कर सकते हैं पपी मिल्क। मीनवाइल इसके जो पपीज़ हैं ये सारे हमारे स्टाफ मेंबर्स के घर पे जो गांव में रहते हैं उनके घर पे फॉस्टर हो रहे हैं। फाइनली हमने इसको पकड़ लिया है और हम इसे क्लिनिक ले जाएंगे अब जहाँ इसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी। इसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली हम ट्यूमर रिडक्शन के लिए विनकिस्टन देंगे इसको और हम इसकी डेली क्लीनिंग भी करेंगे और इस पर थायमेक्स लगाते रहेंगे ताकि मक्खियाँ ना बैठें और मैगेट्स ना हों। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और हमारे जो अडॉप्टेड डॉग्स हैं वो जा रहे हैं फाइनली अपने अपने घर। तो ये है टिम्सी जो अभी यहाँ से दिल्ली जाएगी और उसके बाद बहुत जल्दी फ्लाइट लेके पहुँचेगी बॉम्बे। ये है ऑटम जो वैसे तो कनाडा जा रही है लेकिन इसके जो अडॉप्टर्स हैं वो इसे दिल्ली में ही पिक करने के लिए आ रहे हैं। दैट इज़ सो स्वीट ऑटम। बाय ऑटम। ये जा रहे हैं सैमसन भाई साहब अभिलाष भैया के साथ वॉक पे। सैमसन मुझसे एक्चुअली ज़्यादा संभलता नहीं है, कभी कभी ये बहुत खींचता है तो इसलिए अभिलाष भैया इसको हैंडल कर रहे हैं। सैमसन अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, हमारी साइट पे जो अडॉप्शन पेज है वहाँ पे जाके सैमसन के लिए अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भालू के लिए अभिषेक जी ने कॉल किया था हमें गगल से और इसके कान पे बहुत बड़ा मैगेट वुंड था। तो पहले तो हम इसकी ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, लेकिन फिर क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बनी तो हम भालू को यहीं क्लिनिक में ही ले आए इसकी ट्रीटमेंट के लिए। अभी तो इसकी जैसे कि एंटीबायोटिक कोर्स चल रहा है, हमने टैबलेट्स पे इसको रखा था और साथ ही साथ इसकी डेली क्लीनिंग हो रही है क्योंकि मैगट्स तो निकल गए हैं पर अभी वोंड हील नहीं हुआ है, तो डेली क्लीनिंग कर रहे हैं और सबने ऑइंटमेंट लगा के हम उसकी पट्टी कर रहे हैं ताकि और मक्खियाँ ना बैठे और मैगट्स भी ना पड़े। दादा दीदी आप कोकोनट ऑयल लगा रहे हो क्योंकि इसके पीठ पर बाल भी झड़े हुए हैं ना, तो वहाँ कोकोनट ऑयल लगाया ताकि इचिंग भी ना हो ज़्यादा और थोड़ा हीलिंग में हेल्प करें। अगर आपको पिकाचू याद होगा जिसे हम रेड से लेकर आए थे उसकी गर्दन पे मैगेट वुंड था, वो काफ़ी हद तक सही हो गया था, उसके मैगेट्स हमने निकाल दिए थे और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम उसकी ट्रीट ऑन स्ट्रीट भी अब कर सकते हैं, तो हमने उसे रिलीज़ कर दिया ताकि और जानवरों को हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए ला सकें। शुरू में जब एनिमल्स यहाँ पे फार्म पे आते हैं तो काफ़ी गुस्सैल होते हैं और बिहेवियर काफ़ी उनका थोड़े उखड़े उखड़े भी रहते हैं हमसे शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे आई थिंक मिक्सअप हो जाते हैं वो सारे एनिमल्स को देख के और शायद दोस्त बना लेते हैं आपस में और इस जगह की वाइब भी ऐसी है। चरण दास भाई साहब है तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक तो काटते थे, हाँ जी आपकी बात कर रही हूँ, और ऊपर से ये चरण भी मारते थे, टांगे मारते थे, लेकिन अब ये बिहेवियर एकदम चेंज हो गया इनका पता नहीं कैसे और बहुत फ्रेंडली हो गए अब ये, है ना? हो गए हो ना? झूठ तो नहीं बोल रही हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रही हूँ मैं। हाय टोफू, टोफू तुम्हारी नाक बड़ी हो गई है, मुझे लग रही है हमारी टोफू बड़ी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास नूरपुर से एक रेस्क्यू आया है, मन्नत जी ने इसको भेजा है, उन्होंने इसको एक दिन अपने घर पे भी रखा और फिर अल्टीमेटली उन्होंने इसको हमारे पास इलाज के लिए भेजा है। और इसकी गर्दन की निचली साइड पे घाव जैसा है और सर के पास यहाँ पे भी घाव, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा ये, हाँ तो ये पूरा, ओह माय गॉड। इसको बेसिकली फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस, इसको फ्लीस पड़ी बहुत पड़ी हुई है और जो फ्ली एलर्जी डर्मेटाइटिस है तो वो मिडल ऑफ द नेक एरिया से बैक तक होती है, इसको भी वहीं से शुरू हुई है क्योंकि फ्लीस जब काटती है तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इचिंग होती है जिसकी वजह से डॉग बहुत ज़्यादा इचिंग करता है, वहाँ पे खारिश कर करके घाव बना लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम इसको एंटी एलर्जिक्स देंगे और हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में एंटी इंफ्लेमेटरीज देंगे। हाय ध्रुव, वाओ, यहाँ पे सब ने अपनी, ऐसा लग रहा है सबका म्यूजिकल कॉम्पिटिशन हो रहा है,
किसका ऊंचा गा सकता है, कौन ज्यादा सुरीला गा सकता है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, धूप या फिर विश? मैंने आपको विश के बारे में पहले भी बताया था, ये हमारे पास भाली से आई थी, अभी ये विश्राम कर रही है। जरा इसका जो पैर था वो पूरी तरीके से क्रश था, हमने इसका एंटीबायोटिक कोर्स खत्म किया और उसके बाद इसकी टांग की एम्पुटेशन सर्जरी कर ली। एम्पुटेशन सर्जरी के बाद कल ये थोड़ी सी परेशान हो गई थी, आई थिंक दर्द में भी थी और बहुत चिल्ला रही थी। पोती ने इसको कल रात को अपने पास ही रखा, अपने रूम में ही उसको फॉस्टर किया और फिर जाके ये थोड़ी सी शांत हुई। इसकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये अडॉप्शन के लिए जाएगी। ये इतनी प्यारी बच्ची है, इसको देखकर मेरे को लिलीपुट की याद आती है। मुझे ऐसा लगता है चार्ली को शायद बरसात का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि जब सारे एनिमल्स अंदर होते हैं बारिश वाले दिन, ये बाहर घूमता हुआ नजर आता है ना चार्ली? ये चार्ली इज लाइक मी। मीमी मीमी हमेशा ना, अगर गेट गलती से खुला रह जाए तो मीमी कोई मौका नहीं छोड़ती फीडिंग रूम में जाने का। मीमी क्या हो रहा है? और बाय द वे बारिश का मौसम मीमी को भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा फूल आ चुका है मीमी के ऊपर, कि गर्मियों में इसको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बारिश वाला दिन इसको भी बहुत पसंद है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार फीडिंग रूम में जाओ, समझी? हमारी जो एडॉप्टेबल्स वाला एरिया है वहाँ पे इस हफ्ते खूब सारी प्रोग्रेस हुई है। शर्मीली आपको याद होगा जो एक बार पहले अडॉप्ट हुई थी पर उसे वापस आना पड़ा था, क्योंकि उसकी जो दूसरे उनके घर में पेट्स थे, डॉग्स थे, उनके साथ इसकी बन नहीं रही थी और इसको हमें अलग रखना पड़ा था बहुत टाइम से। लेकिन अब ये सबके साथ घुले मिलने लगी है और जितने भी अडॉप्टेबल्स हैं उनके साथ फ्रेंडली हो गई है। हे लूसी, हाय। दूसरी प्रोग्रेस ये है कि जो खजूर थी, खजूर आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी हो गई है, ये भी अब अडॉप्टेबल्स वाली कैनल में शिफ्ट हो गई है। ये जॉर्जी यू आर अडॉप्टेड, ये जा रहा है दिल्ली शिवेंद्र जी के पास। बेटी जी की तरफ से क्या प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये अभी भी मुझे नापसंद करती है और मेरे कपड़े खाती रहती है। आपको सुदामा याद होगा, सुदामा एक बैल था जो हम नगरोटा भगवान से लेकर आए थे और उसकी टांग में फ्रैक्चर था। वो फ्रैक्चर था पिछली टांग पे जो कि हील नहीं हो रहा था, तो हमने उसकी पहले पिनिंग सर्जरी कराई थी। पिनिंग सर्जरी ठीक हो गई थी, उसके बाद उसमें पस पड़ गई थी तो हमने वो रॉड्स पे निकालनी पड़ी। जब हमने रॉड्स निकाली हमने एंटीबायोटिक्स चलाए, एंटीबायोटिक्स चला के भी उसकी पस कम होती थी और फिर बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग थोड़ी सी शुरू हुई पर फिर वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। तो जब भी हम उसकी स्प्रिंटिंग खोलते थे उसकी टांग बिल्कुल ऐसे हिलती थी पूरी, तो वो इन्फेक्शन उसमें फैलता गया, ज़्यादा सिस्टेमिक हो गया और जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में फैल के फिर उसकी डेथ हो गई। कोई हमारे साथ रहता है, जानवर आता है, तो वो हमारे ही परिवार का एक हिस्सा बन जाता है, तो डेली हम उसको देखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको खाना देते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है लगाव तो होता ही है। पर जब वो चला जाता है तो लगेगा ही, ऑब्वियसली हमारे एक परिवार का हिस्सा भी चला जाए तो बुरा तो लगता ही है, पर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हमें इसके साथ चलना है और मूव ऑन करना है। हाय समर, समर अब हील हो रही है धीरे धीरे, इसका पैर, इसकी जो आपको याद होगा इसकी एम्पुटेशन सर्जरी की थी हमने, ये भी बहुत हद तक हील हो गई है और हील होने के बाद शुरू होगी इनकी एनरिचमेंट। प्यारी बच्ची, कमल जरा चूचू को उठाओ, अपने दोस्त को पकड़ सकते हो इसे? इसे उस तरफ लाना पड़ेगा, जब ये उड़ेगी तब पकड़ना पड़ता है। उड़ेगी या उड़ेगा? उड़ेगा। चूचू हाय, पक 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 पक। ओह नो, वाओ कमल खतरों के खिलाड़ी। ओ अब इसको ऐसे आराम से। हाय चूचू, अभी कहीं नहीं जाए। ऐसे लगता है तुम्हें बहुत प्रैक्टिस है ऐसे मुर्गों को उठाने की। नहीं, इज इट ट्रू? नो। हाय चूचू, अरे वाह। कल संजय जी तीन डॉग्स को लेके आए थे, थ्री फीमेल्स, उनको स्टेरिलाइज करना था और उसमें से ये एक है, इसका अभी तक हमने नाम नहीं रखा है, तो अगर आपको कोई नेम सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और इसको हम स्टेरिलाइज करके हम रखेंगे अपने पास अडॉप्शन के लिए। सो इससे मैं पहली बार मिल रही हूँ और पहली बार मिलने से ही पता चल रहा है कि ये ह्यूमंस के साथ कितनी फ्रेंडली है। तो संजय जी को भी लगता है कि ये शायद किसी की पेट थी जिसको अबैंडन कर दिया है, इसलिए अभी हम इसके लिए घर ढूंढ लेंगे। ये मेरे घर के पास कोई छोड़ गया इसको 2 महीने से ना, तो ये हमारे घर के बाहर ही रहती है, तो पहले से भी 2 डॉग वहाँ पे थे, अब मैं इसको सर्जरी के लिए लेके आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई अडॉप्ट कर ले, इसको अच्छा घर मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। क्यों अडॉप्ट क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास 3 हो गए ना, एक तो मेरे पास अपना पेट है,
दो मेरे पास स्ट्रे हो गए, तीसरी ये भी हो जाए मेरे को बड़ी दिक्कत है कि लोग इसको पत्थर मार रहे हैं क्योंकि ये खेलना चाहती है, लोगों को समझ नहीं है कि खेलती है ये। अब लोग ये सोचते हैं कि हमें काटने को दौड़ रही है, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पत्थर मारते हैं इसलिए। और जो दूसरी दो हैं वो तो छोटी छोटी छोड़ गया था कोई, तो उनको पत्थर नहीं मारता कोई भी, इनको इसको सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। धन्यवाद।